हेलो, ऑरा क्लेंजिंग की इस कोर्स में मैं पूर्वी आप सभी का स्वागत करती हूँ। इसमें हम सीखेंगे 100 से भी ज़्यादा ऑरा क्लेंजिंग की टेक्निक्स, जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करके ऑरा क्लेंजिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमने अलग अलग कैटेगरीज में टेक्निक्स को डिवाइड किया है, जैसे कि मेडिटेशन, क्रिस्टल रिचुअल्स, एक्सरसाइज एंड सो ऑन। आज हम शुरू करेंगे मेडिटेशन से। अब हम ये समझेंगे कि मेडिटेशन क्या होता है। आप लोगों में से काफी लोगों ने जाना होगा कि मेडिटेशन मतलब एक जगह पे बैठो, मेडिटेशन पोज में बैठो, म्यूजिक लगाओ या बिना म्यूजिक, और उस वक्त कुछ और नहीं करना है। ये एक वन ऑफ द टेक्निक है, एक कॉमन टेक्निक है, लेकिन इससे कहीं कहीं डीप चीज होती है मेडिटेशन। बेसिकली मेडिटेशन में हम क्या करते हैं कि हम अपने आप को, अपने दिमाग को शांत करते हैं। हमारे आजू बाजू सब जगह पे एनर्जी है, कॉस्मिक एनर्जी, प्राण शक्ति, ची की, ऐसे बहुत सारे अलग अलग नामों से ये जानी जाती है। यही हमें अलाइव रखने में हेल्प करती है, यही हमारे चक्रास को अच्छे से एक्टिवेट करती है, अच्छे से एनर्जाइज करती है। हमारे बाकी के ऑर्गन्स में भी यही एनर्जी फ्लो होती है और हमें अलग अलग डे टू डे एक्टिविटीज में हेल्प मिलती है। जब हम रात को सोते हैं तो यही कॉस्मिक एनर्जी हमारे क्राउन चक्रा, जो हमारा क्राउन एरिया होता है, सर का वो एरिया जहाँ पे हम क्राउन पहनते हैं, वो क्राउन एरिया है, वहाँ पे क्राउन चक्रा होता है। उसके थ्रू ये एनर्जी हमारी बॉडी में एंटर करती है जब हम रात को सोते हैं, और हमारी बॉडी की हीलिंग करती है, एनर्जी लेवल को रिस्टोर करती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब हम नेक्स्ट डे जल्दी उठते हैं, और जब हम नेक्स्ट डे सो के उठते हैं, तब हमें बहुत फ्रेश फील होता है। अगर ठीक से नींद नहीं हुई है या फिर कम नींद हुई है, तो हमें थोड़ा सा थकान लगेगा, थकान लगेगी, कुछ इरिटेशन जैसा फील होगा, मतलब कुछ कमी लगेगी। ये इसी वजह से होता है। मेडिटेशन इज इंटेंशनल स्लीप, इट इज इंटेंशनली रिसीविंग दी बॉडीज दी कॉस्मिक एनर्जी इन आवर बॉडी। जो हम सोते हुए रिसीव करते हैं, वो तो अननोइंगली अनइंटेंशनली कॉस्मिक एनर्जी आती है, बट मेडिटेशन में हम इंटेंशनली इस एनर्जी को रिसीव करने की कोशिश करते हैं। जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं, निगेटिव चीजें होती हैं हमारी लाइफ में, हमें कंफ्यूजन होता है, हमें कोई भी जात की निगेटिव इमोशन होती है, जेलिसी, डिप्रेशन, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, सैडनेस, चैलेंजेस, स्ट्रेस, जो भी हो, तो क्या होता है ना कि हमारे दिमाग में उसी के रिलेटेड ख्याल घूमते रहते हैं। शायद आप लोगों ने सुना होगा कि इन हमारे एक दिन में ना हम 72,000 जितने थॉट्स हमारे दिमाग में आ जाते हैं। अब स्ट्रेस में हम उसी चीज के बारे में सोचेंगे, तो हमारे आजू बाजू, हमारी ऑरा में, हमारे क्राउन एरिया के आजू बाजू वही चीजें घूमती रहती है। जब हम सोते हैं, दिमाग शांत होता है, तो जो क्राउन एरिया होता है ना, वहां पे थॉट्स नहीं रहते हैं, कुछ नहीं रहता। तो जो रिसीविंग ऑफ हीलिंग एनर्जी ऑफ कॉस्मिक प्राण ऊर्जा जो रहती है, वो बहुत इजीली हमारी बॉडी में रिसीव कर सकते हैं। अगर हम ऐसे ही बैठेंगे तो वो एनर्जी रिसीव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि हमारे दिमाग में ख्याल आएंगे, हमारे टेंशन रहेंगे, कुछ दूसरी चीजें होंगी, कुछ काम करना है, कुछ पेंडिंग आइटम्स है, ऐसे दिमाग कंटिन्यूसली चलता रहेगा। यही रीजन है मेडिटेशन में ये कहा जाता है कि आपको शांत रहना है, आपको विचार मतलब सोचना नहीं है, विचारों को धीरे धीरे कंट्रोल करके दिमाग को शांत करना है, जहाँ पे कोई थॉट ना हो। इसको माइंडफुलनेस कहते हैं, इसको अवेयरनेस भी कहते हैं।
अवेयरनेस का मतलब है वी आर प्रेजेंट इन नाउ, राइट नाउ, इस वक्त, जैसे इस वक्त आप ये वीडियो सुन रहे हो। आज सुबह क्या हुआ था उसका आप सोच नहीं रहे हो, 2 घंटे बाद आपको क्या काम करना है या कल सुबह क्या काम करना है उसका आप सोच नहीं रहे हो। यू आर बीइंग प्रेजेंट इन राइट नाउ, ये एक प्रकार की अवेयरनेस है। जब आप ऐसे करते हो ना, आप हो गया उसके बारे में सोचते हो ना, आप जैसे बीता हुआ कल, ना आप आने वाले कल की चिंता करते हो, तो आपको ना स्ट्रेस होगा, ना टेंशन होगा, ना कुछ और, आप एक शांति फील करोगे। और जब आप ऐसे करते हो दिमाग शांत रहता है, ग्राउंड एरिया के आजू बाजू एक ऐसा समझ लो ना, वो ओपन हो जाता है, पूरी हीलिंग आपकी बॉडी में अच्छे से एंटर कर पाती है। और फिर आपके हर चक्रा में या हर ऑर्गन में वो हीलिंग फ्लो करेगी, आपकी ऑरा में वो हीलिंग फ्लो करेगी। आपकी ऑरा में ना सारी निगेटिविटी भर जाती है, निगेटिव थॉट्स, निगेटिव इमोशंस, जितनी भी चीज़ें हैं, इंटरनली होती है, एक्सटर्नल भी होती है, जहाँ पे दूसरों की निगेटिविटी भी आप एब्जॉर्ब करते हो। तो जब आपकी कॉस्मिक एनर्जी मेडिटेशन के थ्रू आपकी बॉडी में आती है, आपकी ऑरा की सारी निगेटिविटी, सारे ब्लॉकेजेस रिमूव करती है, उसको साफ करती है। जब ऑरा ऐसे साफ होती है तो स्लोली स्टेडीली आपकी ऑरा हील होने लगती है, आपकी ऑरा स्ट्रांग होने लगती है। जब आपकी ऑरा स्ट्रांग होती है तो उसमें आपको क्या हेल्प मिलती है? सबसे पहले तो ऑरा अगर स्ट्रांग है तो कोई भी निगेटिव चीज़ जल्दी से ऑरा में आएगी नहीं। अगर आ भी गई और आपने रेगुलर बेसिस पे ऑरा क्लेंजिंग की, तो वो जल्दी से वो ज़्यादा देर टिकेगी नहीं और निकल जाएगी जो भी निगेटिविटी होगी। इसके अलावा जैसे जैसे निगेटिविटी ऑरा में रहती है ना, धीरे धीरे अंदर आती है, जो हमारे 7 लेयर्स है ना, एक एक लेयर को चीर के अंदर आती रहती है और फिर फिजिकल बॉडी में आती है। तो हमें फिजिकल हेल्थ इश्यूज होते हैं, रिलेशनशिप के इश्यूज और बहुत सारी चीज़ें होती है। तो जब इस हिसाब से आपकी ऑरा हील होगी, रिपेयर होगी, स्ट्रांग होगी, तो इन सारी चीज़ों से आपको कोई टेंशन नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए हम मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन में बहुत अलग अलग टाइप के मेडिटेशन होते हैं। जो रेगुलरली करते हैं उनको तो ऑलरेडी पता है क्या है, जो नए जुड़े हैं या पहली बार करने जा रहे हैं उनके लिए मैं अब छोटा सा स्टेप बाय स्टेप मेडिटेशन का इंस्ट्रक्शन बताऊंगी, कैसे आप मेडिटेशन कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, एक शांत जगह पे बैठ जाइए जहाँ पे कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे और आप कंफर्टेबली बैठ जाइए। आप चाहें तो आप सो भी सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि मेडिटेशन है तो बैठना ही है, लेकिन जब आप बैठते हैं तो वो अच्छा रहता है। और अगर आप बैठते हो तो मेक श्योर कि आपका स्पाइन स्ट्रेट हो, ताकि आप आपकी बॉडी में जो भी हीलिंग एंड कॉस्मिक एनर्जी है बहुत इजीली स्मूथली फ्लो कर सके। आप चेयर पे भी बैठ सकते हो, जमीन पे भी बैठ सकते हो, सो के भी कर सकते हो, बस कंफर्टेबल रहेंगे तो आपका ध्यान, आप अनइजी रहेंगे, अनकंफर्टेबल रहेंगे तो आपका ध्यान यहाँ वहां जाएगा, कंफर्टेबल रहेंगे तो आप अच्छे से मेडिटेशन पे फोकस कर पाएंगे। नेक्स्ट है, एक टाइमर लगा दीजिए। अगर आप नए हो तो आप शुरुआत कीजिए 5 या 10 मिनट से, आप अगर चाहें तो सिर्फ 2 मिनट से भी शुरू कर सकते हैं। 2 मिनट का टाइमर लगा दीजिए और फिर अपना मेडिटेशन शुरू कीजिए। धीरे धीरे इसको बढ़ाइए, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, ऐसे कर करके बढ़ाइए। अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपनी सांसों पे फोकस कीजिए। जैसे जैसे आप ब्रीथिंग ले रहे हैं आप फोकस करते जाइए, इनहेलिंग ऑफ ब्रेथ, एक्सहेलिंग ऑफ ब्रेथ, इस पे फोकस कीजिए। और आपको कुछ इंटेंशनली ब्रीदिंग है, हैवी ब्रीदिंग करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे नेचुरली आपकी बॉडी की ब्रीदिंग रिदम है,
होने दीजिए और उसको ऑब्जर्व कीजिए कि जैसे सांस अंदर आ रही है, जैसे सांस बाहर जा रही है, बस उस पे ध्यान दीजिए। अब इसमें एक मजेदार बात होगी, आपका दिमाग जिसको शांति से बैठने की आदत नहीं है ना, यहाँ वहां भटकना शुरू करेगा। आपको बोलेगा चलो भाई ये बंद करो, यहाँ पे कुछ काम बाकी है, वहीं जाना है, कोई आने वाला है, ये टाइम हो गया खाना बनाना है, ऑफिस का काम बाकी है, ऐसी बहुत सारी चीजें आपको लेकर आएगा। तो इट इज ओके, इट इज एब्सोल्यूटली नेचुरल नॉर्मल, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। वो करेगा आपका दिमाग आपको बीच बीच में डिस्टर्ब डिस्ट्रैक्ट करने दो, वापस अपना फोकस अपनी ब्रीदिंग पर लेकर लेके आओ। इस तरह से आपको 2 मिनट तक मेडिटेशन करना है। जब आप इनिशियल डेज में करेंगे तो हो सकता है कि पूरे 2 मिनट कंटिन्यूअसली थॉट्स आएंगे, कोई बात नहीं। अगर आपने ये चीज करने की डिसिप्लिन से करने की कोशिश की तो धीरे धीरे आपका माइंड शांत होने लगेगा, वो आप माइंड आपकी बात सुनने लगेगा, आपके कंट्रोल में आएगा और आपका मेडिटेशन बेटर होने लगेगा। और जैसे जैसे मेडिटेशन बेटर होने लगेगा, आफ्टर मेडिटेशन आपको एक अच्छी फीलिंग आने लगेगी, आपको पता चलेगा। जैसे ही आप मेडिटेशन खत्म कर लीजिए, धीरे से अपनी आंखें खोलिए, यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को, आपके इष्ट देव, आप जिस आपके गुरु जिसमें भी मानते हैं, जिनमें भी मानते हैं, जिनके लिए आपके मन में रिस्पेक्ट है, उनको थैंक यू बोलिए। ग्रेटिट्यूड इज अ मस्ट। और फिर अपनी दोनों पाम्स को रब करके 2 मिनट के लिए अपनी पाम्स को आंखों पर रखिए। बस इतना ध्यान रखिए कि ये एक नॉर्मल तरीका होता है मेडिटेशन करने का। दिमाग यहाँ वहां भटकता रहेगा और वो आपको एक्सेप्ट करना है। आपको स्ट्रेस नहीं लेना है कि अरे मेरा दिमाग भटक रहा है, अरे मुझे बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं, मैं क्या करूँ। कोई बात नहीं, होने दो। जितना आप दिमाग को कंट्रोल करोगे और वो भटकेगा, जितना आप उसको आ गया ख्याल आने दो, अब वापस ब्रीदिंग पे फोकस करो। ऐसे करोगे तो वो धीरे धीरे शांत होने लगेगा। वो जैसे एक एग्जाम्पल दो, छोटा बच्चा है, आप अगर बच्चा जेन्यूनली रो रहा है तो अलग बात है, बट आपको पता है कि वो थोड़ा सा टेंट्रम कर रहा है, जानबूझ के चिल्ला रहा है आपका अटेंशन लेने के लिए, अब आप उसको देख रहे हो फिर शांति से अपना काम करें, तो वो धीरे धीरे वो चुप हो जाएगा। बस दिमाग भी ऐसा ही है। इस हिसाब से आपको अपना मेडिटेशन आज से शुरू करना है। आपका मेडिटेशन कीजिए, मुझे आपके एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए। हम बहुत सारे अलग अलग टाइप के मेडिटेशन सीखने वाले हैं। ये सिंपल स्टेप्स हैं, इसके अलावा हर मेडिटेशन की जो स्पेसिफिक स्टेप्स हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये गाइडलाइन हर मेडिटेशन में अप्लाई करेगी, सिर्फ छोटे मोटे चेंजेस होंगे कि जो मेडिटेशन है उसके रिलेटेड वो स्टेप्स हैं, बट अदरवाइज ये सिंपल जो भी सारे मैंने अभी स्टेप्स समझाए हैं वो हर मेडिटेशन में अप्लाई करेंगे। तो मेडिटेशन कीजिए और आप अपनी ऑरा की साफ सफाई कीजिए। थैंक यू।